श्री अयोध्या की धरती बड़ी ही आदरणीय पूजनीय है और आज ब्रह्मकुंड के इस स्थान पर जो टेंट सिटी है, यहाँ पर चरण पादुका का जो स्थान निर्धारित किया गया, रखा गया, चरण पादुका हमारे यहाँ चरण से ही सब कुछ होते आए हैं। हमारे यहाँ ध्येयम शता परिभवगनमभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिवविरंच नुतम शरण्यम वृत्यार्थम प्रणतिपाल बहाधिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। हम किसी की महिमा का जहाँ से उपाख्यान व्याख्यान करते हैं तो सर्वप्रथम चरण पूजा ही होती है, और जहाँ चरण की पूजा होती है वहाँ वह स्वामी हमारा हो जाता है। तो ऐसे अयोध्या में ब्रह्मकुंड के स्थान पर यदि चरण पादुका स्थापित की जाती है तो इस चरण पादुका के पूजा कर देने मात्र से, दर्शन कर देने मात्र से ही संपूर्ण अयोध्या का दर्शन होता है और भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब इसके आगे और जय जय श्री सीताराम क्या कहा जाए। क्या नाम गुरुदेव? पंडित राकेश दत्त शास्त्री। शिक्षा और दीक्षा स्थान श्री मणिराम दास जी छामनी, परम आराध्य गुरुदेव श्री राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष परम आदरणीय श्री श्री 1008 स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के हम कृपा पात्र हैं। उन्हीं की कृपा से, उनके द्वारा जो भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई उसी के हम कृपा पात्र हैं। भगवान राम की चरण पादुका के विषय में पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है कि प्रभु कर कृपा पांवरी दीनी सादर भरत शीश धर लीनी। जब भगवान वन लीला करने के लिए 14 वर्ष गए वन में, तो भरत भैया ने 14 वर्षों तक पादुका जी को रख करके ही पूरे राजकार्य अयोध्या का संचालित किया था और अयोध्या का सारा समग्र विकास, जन जन जितनी भी चेतनाएं थी, जलचर थलचर नवचर चर अचर, समस्त चेतनाओं को व्यवस्थित किया था। प्रभु की उसी पादुका की मूल रूप स्वरूप जो भी व्यवस्थित रूप में आज आप प्राकट रूप में देख रहे हैं टेंट सिटी में, भगवान की चरण शरण में आने वाले सभी जीवों को भगवान की चरण शरण प्राप्त हो, अतएव पादुका जी को वहाँ पर स्थापित किया गया है। कैसा है, सबको क्या संदेश? एकदम शानदार, बहुत व्यवस्थित। सर्वे भवन सुखना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। भगवान श्री राम सब पर कृपा करें और सभी अयोध्या आएँ और भगवान की चरण शरण सबको प्राप्त हो, ऐसी शुभ मंगल कामना।